नमस्कार, स्वस्थ हेल्थ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे शरीर को फैट की कितनी ज्यादा जरूरत है। हालांकि आजकल बहुत ज्यादा लोग फैट को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में फैट है, परंतु फिर भी हमें गुड क्वालिटी फैट अच्छे से लेना चाहिए ताकि जो ये स्टोर्ड फैट है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो पाए और हम उसको घटा भी पाए। फैट हमारे शरीर को क्यों नुकसान देता है ये तो सब बताते हैं, लेकिन ये कोई आपको शायद जल्दी से नहीं बताएगा कि फैट के इतने सारे इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कृपया आप इसे अच्छे से समझें और गुड क्वालिटी फैट लें। ओवर ईटिंग या दूसरी चीजों में इंडल्ज होकर ज्यादा फैट कभी भी ना लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब एक माइंड मैप की सहायता से हम समझते हैं कि फैट के हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंट फंक्शंस है और हमारी सेहत के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फायदा है हमारे फैट लेने का, वो ये है कि अगर हम अच्छे से फैट नहीं लेते या बिल्कुल बंद कर देते हैं तो हमारी डाइट के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उनको हम कभी भी एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते, वो हमारे शरीर को मिलेंगे ही नहीं। अगर हमारे शरीर को गुड क्वालिटी फैट सॉल्युबल विटामिन चाहिए तो उनसे कुछ मात्रा में फैट की भी जरूरत है। इसलिए हमें चाहे वजन घटाते वक्त भी गुड क्वालिटी फैट चाहिए। फैट की मात्रा हमें कम कर देनी है लेकिन खत्म कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये हमें हमारी डाइट से ही मिलता है और उसकी अब्सॉर्प्शन तभी हो पाएगी जब हम फैट लेंगे। विटामिन के ज्यादातर हमारी बड़ी आंत में बनता है। हमारे शरीर में जो फैट है वो हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उन्हें किसी भी झटकों से बचाता है और उन्हें नुकसान होने से बचाता है। क्योंकि जो ये फैट होता है ये हमारे काफी अंगों के चारों तरफ इकट्ठा रहता है और उसको प्रिवेंट करता है। जैसे कि हमारे गुर्दों के चारों तरफ फैट होता है, हमारे हार्ट के चारों तरफ फैट होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स के चारों तरफ फैट होता है। तो ये इस फैट की जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है वो है कुशनिंग की, और जो मूवमेंट या किसी एक्टिविटी की वजह से जो आपस में टकराते हैं उस वक्त उनको नुकसान ना हो, तो ये कुशनिंग के लिए भी फैट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो बहुत पतले लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा भी अगर किसी प्रकार का ट्रॉमा होता है तो उनके अंगों को एकदम से नुकसान पहुंच जाता है। तो इसलिए एक हेल्दी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसी एस्पेक्ट में कहें तो हमारे शरीर में गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी ऑफ फैट भी जरूरी है। एक्सेस फैट की हमें कोई बहुत ज्यादा खास जरूरत नहीं है। जब भी ये एक्सेस होगा तो हमें बेली फैट के रूप में और मोटापे के रूप में ये हमारे शरीर में विद्यमान रहेगा और उसके अपने कुछ नुकसान हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फायदे की, जो हमारी चमड़ी के नीचे फैट इकट्ठा होता है जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, ये हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और ये एक ऐसी स्क्रीन है जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। तो स्पेशली अगर ये बहुत ज्यादा कम है तो हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा और उसके अंदर फ्लक्चुएशंस रहेंगे तो हम और हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारे फैट का हमारी बॉडी के अंदर, और ये फंक्शन स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम किसी कोल्ड टेम्परेचर वाले एनवायरमेंट में रहते हैं, और सर्दियों में इसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। जो फैट हमारे शरीर में इकट्ठा हो गया है और रिजर्व हो रखा है उसकी एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि वो हमारे शरीर का एक रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब जब हम कुछ काम ऐसा कर रहे हैं या किसी वजह से हम खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उस वक्त हमारा शरीर उस फैट को मोबिलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और दूसरे टिश्यूज को भेजता है ताकि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और हमारे शरीर का काम हमेशा चलता रहे। तो जब भी हम सोते हैं उस वक्त भी हमारा जो ये पेट के अंदर फैट है वो मोबिलाइज होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसलिए अगर आप मोटे हैं और अपना वजन घटाना चाहते हैं तो अपनी नींद भी अच्छे से लें, और एक अच्छी नींद के क्या फायदे हो सकते हैं इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। उसी प्रकार कुछ एनिमल्स के अंदर जो कि बहुत ज्यादा दिन तक विंटर्स के अंदर सोते हैं जैसे कि पोलर बियर, तो ये गर्मी के दौरान खूब सारा खाना खाते हैं और उसको एज ए फैट अपने बॉडी में
स्टोर करते हैं और बाद में जब ये विंटर्स के अंदर सोते हैं और इतने महीनों तक सोते रहते हैं तो उस वक्त जो उनका स्टोर्ड फैट होता है वो उनको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यही फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर भी है कि जब हम रेस्ट कर रहे हैं या किसी प्रकार से खाने के पास उस वक्त हम नहीं हैं तो हमारा ये रिजर्व हमारे खाने के काम आता है। आजकल हम इस रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया इस रिजर्व को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं और अपने इस मोटापे से दूर रहें। हमारा फैट हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके लिए फैट बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो प्लेटलेट हैं वो अच्छे से काम कर पाए और वो आपस में चिपके नहीं, उनकी एडहेसिवनेस जो आपस में चिपके नहीं उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के अंदर उचित मात्रा में फैट होना। तो हमारे अगर शरीर को अच्छे से काम करना है तो उसको फैट की रिक्वायरमेंट है, गुड क्वालिटी एंड गुड क्वांटिटी, नॉट एक्सेस क्वांटिटी। वही छठे फायदे की बात हम करते हैं। छठा फायदा हमारे शरीर को होता है कि जो एसेंशियल फैटी एसिड अगर हम अच्छे से लेते हैं जो कि हमारे शरीर में नहीं बनते और हमें हमेशा अपनी डाइट से लेने ही पड़ेंगे, जैसे कि लाइनोलिनिक एसिड और लाइनिक एसिड, तो अगर हम इनको अच्छे से लेते हैं तो ये हमारे शरीर में LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम करता है। तो ये जो हमारे गुड क्वालिटी फैट है उसी की वजह से ऐसा होता है कि वो बैड क्वालिटी फैट को कम कर रहा है। तो इसलिए भी हमें अच्छी मात्रा में गुड क्वालिटी फैट को और एसेंशियल फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में जगह देनी चाहिए ताकि हमारा शरीर और स्वस्थ हो पाए। तो सातवां फायदा हमारे शरीर में फैट का वो है जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारे शरीर में होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से हमारे शरीर के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिंस बनते हैं और ये प्रोस्टाग्लैंडिंस हमारे शरीर के अंदर ऐसे काम करते हैं जैसे कि हार्मोन, इसलिए इनको लोकल हार्मोन्स की भी पद्धति कई जगह दी गई है। तो हमारे शरीर में जो आपस की बात है, एक दूसरे ऑर्गन्स जो आपस में बात करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो हार्मोन के थ्रू ही करते हैं। तो अगर वो अच्छे से आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए तो उसके लिए हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए ताकि वो अच्छी प्रकार में प्रोस्टाग्लैंडिंस बना पाए और ये हमारे ऑर्गन्स की आपस की बातचीत ठीक से होती रहे, उनको मैसेजेस ठीक से मिलते रहे ताकि हमारा शरीर अच्छे से। वहीं जो हमारा खून ब्लड वेसल्स में घूम रहा है उनकी सर्कुलेशन के लिए भी हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिंस है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिंस हमारे किडनी फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड सिक्रीशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे फेफड़े लंग के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमें ये सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हुए हमारे शरीर के अंदर चाहिए और हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो हमें गुड क्वालिटी फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में जगह देनी पड़ेगी ताकि हम स्वस्थ रह पाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का होता है, जो कोलेस्ट्रॉल जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी मात्रा हमें अच्छी रखनी चाहिए। वही LDL और हम कहें ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा हमें कम रखनी चाहिए और LDL कोलेस्ट्रॉल एक बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे शरीर के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल लेनी चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में है उसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वह ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो इतने प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन्स बन रहे हैं वो तभी बनेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बिना वो स्टेरॉयड हार्मोन बन ही नहीं सकते, वो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बाद वो बनना शुरू होते हैं। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को चाहिए, लेकिन ठीक मात्रा में, एक्सेस मात्रा में ही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेशली बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वहीं ये कोलेस्ट्रॉल इम्पोर्टेंट है हमारी कोशिकाओं की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके लिए, हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसके लिए। तो हमें हमारा दिमाग ठीक चाहिए, हमारे हर प्रकार के सेल ठीक से काम करते हुए होने चाहिए और हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स है स्पेशली स्टेरॉयड हॉर्मोन वो ठीक से काम करें, उसके लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की भी रिक्वायरमेंट है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल भी अपनी डाइट के अंदर ठीक से लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर को वो मिलता रहे गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, नॉट बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो हमें ध्यान रखना है और एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है। बैलेंस हमें अपने
शरीर के अंदर हर किसी तत्व का, हर किसी मिनरल का, विटामिन का बना के रखना पड़ेगा। कम है तो भी नुकसान है और ज्यादा है तो भी नुकसान है, इसलिए बैलेंस की स्टेट हमें बनानी आनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। जो नौवां फायदा है हमारे शरीर को फैट लेने का, वो ये है कि फैट हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाता है और हमारे शरीर को वो फुलनेस प्रोवाइड करता है और एक सटाइटी प्रोवाइड करता है कि हाँ अब मुझे अपने शरीर के अंदर ऐसे लग रहा है कि अब मुझे और खाना खाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फीलिंग आती है वो आती है हमें फैट की वजह से। तो ये गुड क्वालिटी फैट हमेशा हमें अपने डाइट में लेना चाहिए और ये काफी स्टडीज से प्रूव हुआ है। जो लोग गुड क्वालिटी फैट स्पेशली अपनी मील्स के अंदर लेते हैं और स्पेशली ब्रेकफास्ट के अंदर लेते हैं, तो उन लोगों में पाया गया है कि वो लोग ज्यादातर अपना बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करवाते हैं और मोटे नहीं होते। दूसरा, उन लोगों के अंदर ओवर ईटिंग के भी चांसेस कम होते हैं। तीसरा, उन लोगों के अंदर स्नैकिंग की भी जो आदत है वो कम पाई गई है। और जो एक और बेनिफिट उसमें देखने को मिला है वो ये मिला है कि वो लोगों की जो मील फ्रिक्वेंसी है वो 2 या 3 ही होती है, और यही मेन कारण है कि उनका वजन भी कंट्रोल्ड है। इसके बाद बात करते हैं 10वें फायदे की, जो हमारे शरीर को होता है फैट से, वो ये है कि फैट हमारे शरीर का, जैसे मैंने पहले बताया, रिजर्व सोर्स ऑफ एनर्जी है। और हमारे शरीर को जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके पास कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज सीधा उपलब्ध उस वक्त नहीं है, मतलब कि हमें खाना खाए हुए काफी देर हो गया और अब हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट के बाद सीधा फैट का ब्रेकडाउन करता है ताकि वो हमारे शरीर को आगे चला सके। अगर हमारे शरीर में गुड अमाउंट ऑफ फैट नहीं होगा तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन को तोड़ने लग जाएगा, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे हर किसी सेल का। तो हमारा शरीर जो है प्रोटीन्स को हमेशा बचा के रखता है, और वो तभी बचे रहेंगे जब हमारे बॉडी के अंदर जो फैट की मात्रा है वो ऑप्टिमल है। अगर वो बहुत ज्यादा कम है तो वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा और हमारे शरीर को उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसलिए हमारे शरीर को कुछ अमाउंट ऑफ फैट हमेशा चाहिए भी, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को फैट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको अब इस वीडियो के जरिए समझा पाया होगा कि हमारे शरीर को फैट की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हाँ, हम जो फैट ले रहे हैं अपनी डाइट के अंदर उसको हमें नियंत्रित रखना पड़ेगा और उसे हमें गुड क्वालिटी लेना पड़ेगा जो कि रिच है एसेंशियल फैटी एसिड्स के अंदर। उसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और हम कहें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा और पूफा की अमाउंट भी अच्छी है। उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड्स या हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स नहीं है और ना के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हम अच्छी मात्रा में और गुड क्वालिटी फैट ले रहे हैं। वहीं गुड क्वालिटी फैट भी अगर आप एक्सेस मात्रा में लेते हैं तो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप इसको हमेशा 15 से 20 ग्राम से फालतू ना लें, और आप 10 ग्राम तक भी इसे फिक्स कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ताकि आपके शरीर के जो दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो भी होते रहें और कभी आपके शरीर में किन्हीं इन चीजों की कमी ना हो और आपका जो इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फैट है वो चलता रहे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना वजन भी घटा पाएंगे। अगर आप बैड क्वालिटी फैट एक्सेस मात्रा में लेते जा रहे हैं तो उसके भी आपके शरीर को बहुत सारा नुकसान है, तो कृपया ऐसा ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज इस वीडियो को देखकर अब अच्छे से समझ गए होंगे कि फैट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आज से ही जो आप फैट ले रहे हैं उसकी मात्रा भी आप नियमित करेंगे, कम करेंगे, और जो क्वालिटी ऑफ फैट है उसको भी अच्छा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई समस्या हो रही है, आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई और तकलीफ है, या आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हैं उसके अंदर आपके कोई और भी क्वेश्चंस या सुझाव हैं, तो उनको भी आप YouTube कमेंट बॉक्स में या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं उस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उनका आपको जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए अगर मुझे ऐसा लगा उनको एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो मैं आने वाली वीडियो में उनका एक वीडियो बनाकर भी आपको जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।